मेरे मामा जी के लड़का है, इसमें इतनी दुष्ट आत्मा इतने साल तक रही, कितने लाखों रुपए लगे, मेरे मामा जी भी खत्म हो गए। फिर इसमें जिन बताया जिन दई, इसको सांकड़ों से इतना बांध के रखते थे, दस दस आदमी, पंद्रह पंद्रह आदमी इसको गाड़ी में घाल के कभी कहीं ले जाते कभी कहीं, तो भी तब भी नहीं तो सांकड़े को तोड़ देता और इतना मतलब लहू लुहान हो जाता, बहुत हमारे गांव वाले सारे परेशान हो जाते इससे, बहुत इलाज कराए कहीं नहीं आराम है। एक बार मेरी माँ अपने पियर गई मेरे ननियाल, तो वहाँ पे मेरे भतीजों की ऐसी हालत देखी, फिर मेरी माँ ने यहाँ चर्च के बारे में बताया, वहाँ पे छोटी सी प्रार्थना की, फिर इसका मन बदल गया, फिर यहाँ आया ये प्रार्थना में। तो उसी दिन से इसके दुष्ट आत्मा और जो भी जिन था, जो भी भयंकर दुष्ट आत्मा थी, वो दूर हो गई, प्रभु ने इसको नया जीवन दिया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सांकड़ों से बांधते थे? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो वही सांकड़ से बांधते थे तो क्या, किस लिए बांधते थे? घर वाले बांध देते थे। ओके, तो घर वाले सांकड़ों से बांध देते थे से, और अब किसने चंगा किया? ईसा मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने किया। हाँ जी, मैं नशा करता सीगा जी, मेडिकल नशा बहुत करता सीगा नशा। पास्टर जी, मैं यूट्यूब ते देखा प्रोग्राम, मैं इत्थे आया भी एक दो बारी पहला, ते बाद च मैं कोई मैनूं कोई फायदा नहीं होया सी, मैं फिर मैं यूट्यूब ते वेखदा रहा। मैं मजदूर बंदा, मजदूरी करदा भी, मेरा सरदा नहीं बिल्कुल ही, ते मैं उत्थे देखदा रहा यूट्यूब फोन ते। ते एक दिन की होया, पास्टर जी तो चली जाता सी, बचन चली जाते सीगे, तो मैं ना कि देखी जाता सी, पास्टर जी ने आख्या भी जो भी कोई नशा करता है वो दे बंधना च टुट जाएंगे, तो आपकी हथेली ते जां कौली दे विच तेल लैके ते बैठ बैठ जावे। तो मैं देखी जाता सी, मैं तेल लैके हथेली ते बैठा, तो अखा बंद कर लिया, पास्टर जी ने दसिया अखा बंद कर लो, प्रार्थना की, मैनू झटका लग्या एक बहुत जोर दी, ते हुण ढाई तीन महीने हो गए मैं कोई भी नशा नहीं किया गा, उदू बाद कोई गोली दवाई नहीं ली मैं नशा छड्डन वास्ते, कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर कोल नहीं गया, कोई मैनू तकलीफ नहीं आई। सारा नू जैम सी, मेरी गवाही तो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा हुई है, प्रभु ने बहुत आशीष दी है। जब मैं यहाँ आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 500 रुपये मेरे पास थे जब मैं बॉम्बे से यहाँ आया था, और प्रभु में भी नहीं था, शैतान का भी बहुत बड़ा प्रकोप था मेरे ऊपर। मेरी सिस्टर जो संतोष आप जानते होंगे, बड़ी सिस्टर, और वंदना दीदी मेरे छोटे, जो मुझे प्रभु में लेके आए और पास्टर जी से प्रार्थना करवाई मेरे लिए, शैतान से मुझे मुक्ति दिलाई, और प्रभु में आने के लिए मेरे जीवन में इतना बड़ा काम हुआ कि जिस दिन मैं घर पर बैठा था, पता नहीं कैसे मेरे मन में आई कि मैं चर्च आऊँ, और उस बुधवार का दिन था जिस दिन बुधवार को प्रार्थना होती थी बीमारों के लिए, मैं आया उसी दिन मेरे यहाँ पे बैठा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर आज बत्तीसवां सभी को दे रहे हैं, मैं भी बत्तीसवां लेना, और उसी दिन मेरे को बत्तीसवां मिल गया पास्टर जी के द्वारा कि आज इसी वक्त ही रमेश को बत्तीसवां दिया जाए। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने आते ही इतना काम किया कि मेरा काम बिल्कुल भी नहीं था, उस काम में मेरा बहुत ज़्यादा बरकत होती गई होती गई, और जब मैं बिल्कुल भी इसके अंदर परमेश्वर के अंदर और ज़्यादा बढ़ना चाहता था, पास्टर जी ने मेरे सर पर हाथ रखा कि आप आओ विश्वास से और भी ज़्यादा बढ़ो, और बंदगी में मैं जब से मैंने स्टार्ट किया जाने के लिए, और मेरे घर में बरकत की आशीष होती गई, आज मेरे घर का खुद का अपना घर भी बन गया परमेश्वर के द्वारा, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी मेरे जीवन में कि मैं कभी ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। परमेश्वर ने मेरे को गाड़ी दी उसकी भी मेरे को आस नहीं थी, परमेश्वर ने मेरे को मशीन दी उसकी भी आस नहीं थी, मेरी मिसिस को भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया अभी कि ये बच नहीं पाएगी, इसके थायराइड 284 हो गया था जो उनके शरीर के अंदर 5 चाहिए था, पास्टर जी ने जब प्रार्थना की और आज उसका थायराइड बिल्कुल 21 रह गया। परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी है, चंगाई दी है मेरे जीवन में, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साथ में हमारे पास्टर जी का जिन्होंने मेरे जीवन में मेरे पिता के द्वारा, मेरे पिता, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा कि कैसे मैं गवाही दूँ कि पास्टर जी के द्वारा मेरे जीवन में बहुत बड़े काम हुए हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया। कई दिनों से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था, तो मैंने पास्टरनी दीदी से बोला भी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा रहता, उसकी वजह मेरा बेटा टेंशन में रहता था छोटा बड़ा वाला, तो उसके गले में इतनी बड़ी गांठ होगी, तो मैंने दीदी से प्रार्थना कराई वो बिल्कुल ठीक है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही हो रहा मेरी, मेरे इतनी बड़ी पैर की गांठ हो गई थी,
तो मैं शनिवार को आना चाहती थी उपवास रख के, तो मेरे पति मुझे आने नहीं दिए। तो मैंने एफसीएक वाला तेल पेस्टर जी से लिया, वो तेल लगाया और मेरे गांठ गायब हो गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दे रही है मेरी बहू, बहू है ना उसकी भाभी, भाभी वो परमेश्वर को नहीं मानती, पर उसके डिलीवरी होने वाली थी, पर उसका बच्चा जो पुट्ठा था और खून भी बहुत कम था, तो यहाँ से पास्टर जी से प्रार्थना कराई, उसका खून भी सही है और उसके बेटी दिए परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल हुई है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक भाई और मैं, पास्टर जी ने जब मेरे से सेवकाई के लिए कहा, पर एक पूरा हफ्ता मैं सोचती रही मैं कैसे करूँगी, कैसे मैं बोलूँगी, पर मैं नहीं जानती, पर परमेश्वर मेरे साथ था। मैं पूरा दिन प्रार्थना करती हूँ, पर मैं नहीं जानती पर कैसे करती हूँ, पर पूरा दिन मैं पवित्र आत्मा से भरी रहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हर टाइम हर घड़ी मेरे साथ होते हैं। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। बच्चे की गुवाही देना चाहती हूँ। इसके घोड़े में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, तो यहाँ चर्च में आई, इसकी प्रार्थना कराई, अब बिल्कुल चंगी है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुवाही और देना चाहती हूँ। मेरे पति कभी भी यहाँ आते नहीं थे, तो मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई भी आने लग जाए, पिछले संडे आए थे। अब प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, सबको जय मसीह की। ये सिस्टर बता रहे हैं इनके 15 साल से गांठ थी छाती में, और ये पिछले संडे आए थे, पास्टर जी से प्रार्थना कराई, और जब ये घर गए तब इन्होंने देखा वो गांठ गायब थी इनकी। तो ये पिछले संडे आ नहीं पाए, तो ये अब आज अपनी गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे अभी 3 ही हफ्ते हुए हैं, बहुत ही कष्टों ने मेरे को घेर रखा था। मेरा छोटा भाई जो मसीह में है, उन्होंने मेरे को बहुत बार सलाह दी कि तू मेरे साथ चल प्रभु की शरण में और तेरे घर में चंगाई आ जाएगी, पर मैंने, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरे को घेर रखा था कि मैं आ नहीं सका। कुछ ही दिन हुए मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा ने घेर लिया और हमारे घर में खाने पीने के भी वांदे हो गए। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, प्रभु हमारे बीच आए, हमारी बच्ची को सामर्थ दिया, मेरी बच्ची को अच्छा किया, मेरी बच्ची को दुखों से छुटकारा मिला। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ।